बंद कर दो। इलाके में ये बाबा है, बाबा के अपने आश्रम में यहाँ पर कुछ बंदरों को पकड़ रखा था जो कि इनके पास लाइसेंस नहीं है इस चीज को रखने का। हम बाबा से ही बात करते, बाबा आपने इन बंदरों को यहाँ पकड़ के रखा है? भाई पकड़ के नहीं रखा है, यहाँ लाल बांध जा के नुकसान करते हैं। जहाँ रनहौला में ये फर्जी बाबा अपनी दुकानदारी चमका सांसद मेनका गांधी के एनजीओ PFA यानी पीपल फॉर एनिमल्स ने जब इन आरोपों के साथ छापेमारी की तो बाबा बहाने बनाने लगे। लंगूरों का कोई लाइसेंस नहीं हो सकता, ये सिर्फ बगलाने वाली बात है। लंगूर शेड्यूल वन में है, उसका किसी तरह का कोई लाइसेंस कहीं से नहीं दिखाया जा सकता। जो भी चीज शेड्यूल वन में होगी उसको रखना, पालना, खरीदना और बेचना पूरी तरह से गैरकानूनी है। एनजीओ ने आरोप लगाया है कि लक्ष्मण दास के पास जो दवाइयां हैं उनके परीक्षण के दौरान कई बंदरों की मौत हो चुकी है और बाबा अपना राग अलाप रहे हैं। मैं किसी का परीक्षण नहीं करता, मैं अपने शरीर पे करता हूँ परीक्षण जो करना है। ना बंदरों में परीक्षण होता है ना किस चीज पे। जैसे मेरे पास एक बंदर है, अरे नहीं कर रही ना। काट दो, काट दो। लंगूर मिले हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इनको संजय गांधी हॉस्पिटल भिजवाया जा रहा है। गैर कानूनी तरीके से रखे लंगूरों पर बाबा से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो लक्ष्मण दास की खिड़की बन गई और वो बातें बनाने में लग गया। सांस लेना पड़ता है, लाइसेंस भी ले लूंगा। हाँ उसी कोई बात नहीं, बात सुनिए। जब अपने रखे मैंने तो भी नशे लाइसेंस अप्लाई कर रखा है। जब लाइसेंस आएगा वो भी कर लूंगा। जब लाइसेंस भी इनका मेरे पास है, वो लड़के ने पता नहीं इसने कहा रखा है लाइसेंस का इनका वहाँ से मारा है दोबारा अप्लाई किया। आपके नाम पर लाइसेंस? मेरे नाम पर। बाबा सफाई देने में जुटे रहे तो उनके गुर्गे एनजीओ की टीम पर ही भड़क उठे। बाबा की दवाइयां बनाने की कारखाने की पोल खुल गई। उधर बाबा के बोल बचना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे तब तक जब तक उन्हें पुलिस अपने साथ नहीं ले गई। मैं ये इलाज करता हूँ जो कहीं इलाज ना हो। यहाँ मेडिकल साइंस में सिर्फ दवाइयों का बिजनेस है, इलाज नहीं है किसी भी बीमारी का। यहाँ हर बीमारी का इलाज है और यहाँ मरीज से पूछकर इलाज होता है। यहाँ के देखे यहाँ से और इलाज कर दिया। बाबापुर रनहौला थाना यहाँ से पास नहीं पड़ता, वहाँ ले जाया जा रहा है और अब बाबा से पूछताछ की जाएगी कि आखिर इन्होंने अपने पास जो लंगूर रखे थे जो कि दुर्लभ प्रजाति के लंगूर हैं और इनके पास जो शंख मिला है वो भी शेड्यूल वन का आता है जो कि कानूनन ये सही नहीं है। आगे देखिए फटाफट खबरें।